अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी बटरफ्लाई केक, जो कि खाने में बहुत यम्मी होता है और इसको बनाना भी बहुत इजी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई मोल्ड हो स्पेशली बटरफ्लाई वगैरह का। मैं आपको एक पतीली में बनाना सिखाऊंगी, जो कि फिर बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 3 एग व्हाइट लिए हैं और हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो हम जिसमें बना रहे हैं ये बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, जो भी हम ले रहे हैं। इसमें 1 टीस्पून विनेगर ले रहे हैं हम। ये दोनों डालकर हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। याद रहे कि आपका जो बीटर है वो भी सूखा हुआ होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर 3/4 कप थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालने वाले हैं। पहले हम थोड़ी सी डालेंगे, फिर बीट करेंगे, फिर थोड़ी डालेंगे, फिर बीट करेंगे, फिर जो एंड में बचेगी वो डाल के बीट करेंगे। हमें इसको सॉफ्ट पीक में लेकर आना है। नाउ स्टार्ट द बीट। हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। हर चीज़ ध्यान रहे कि खुश्क होनी चाहिए। यहाँ हमने इसको अच्छे से बीट किया है। फिर दोबारा हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, पाउडर चीनी। फिर दोबारा हम इसको बीट करने वाले हैं। हमारा पॉट और हमारा बीटर दोनों ही ड्राई थे। ड्राई रखना इसलिए ज़रूरी है, वरना आपके जो एग वाइट है वो पीक नहीं होगा, यानी उसके सॉफ्ट पीक्स नहीं बनेंगे। वो आप उसको जितना भी बीट कर लेंगे वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें खुश्क और ड्राई होंगी तो आपका एग वाइट बहुत अच्छे से बीट होगा। यहाँ देखें, ये बहुत अच्छे से बीट हो चुका है क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें ड्राई थी, हमने धो के उसको अच्छे से खुश्क कर लिया था। ये देखें, एक क्रीमी फॉर्म में आ गया है ये। अब हम इसमें फर्दर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं, मैंने इसको करीब से दिखा दिया है आपको। इसके अंदर हम 3 एग योक जो हमने एग वाइट से अलग किए थे वो डाल देंगे। पानी किसी चीज़ में भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर वेनिला एसेंस एक्सट्रैक्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है, 1/2 टीस्पून वो डाल देंगे। 2-3 ड्रॉप्स जो हैं हम रेड फूड कलर डाल देंगे। और इसके अलावा हम ये स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं तो इसके अंदर हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरी प्यूरी 1/2 कप बनाई है और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सब ऐड करने के बाद हम जो है इसे बीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम इसकी क्रीमी फॉर्म जो है उसको रिटेन रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए हमें इसको हल्के हाथ से फोल्ड करना है, जो कि हम इस हैंड बीटर की मदद से करेंगे। और बिल्कुल स्लोली स्लोली करना है क्योंकि इसके अंदर क्रीमी फॉर्म जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमें इसको बरकरार रखने के लिए हम इसको हाथ की मदद से हल्के हल्के बीट करेंगे, यानी फोल्ड करेंगे। मिक्सअप करना है इसको इतने अच्छे से कि जो है ये बिल्कुल मिक्स भी हो जाए और इसका क्रीमी फॉर्म है वो भी बरकरार रहे। याद रहे, बिल्कुल स्लोली स्लोली हमें करना है। आफ्टर 5 मिनट्स हमारे ये मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर फर्दर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जहाँ पर 1 कप प्लेन फ्लावर है, यानी मैदा। इसमें हमने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा जो भी आप कहते हैं वो डाला है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालने वाले हैं, जो हम केक में यूज़ करते हैं। और 1 टेबल स्पून हीप्ड, यानी भर कर घी डाला है हमने। इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी इंग्रेडिएंट यानी ऑयल की नहीं जाएगी। बहुत कम ऑयल में, बहुत कम घी में ये बहुत अच्छा केक बन के तैयार होता है। इसका यही एक फ़ायदा है कि इसमें कम घी डलता है। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। नाउ ग्रीस आर पैन। हम इसे एक पतीली में बनाने वाले हैं, जिसमें आप नॉर्मली अपना सालन वगैरह ग्रेवी करीज बनाते हैं। हम उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ मेरे पास 8 इंच यानी 8 इंच की एक पतीली है, इसमें मैं इसको ग्रीस करने वाली हूँ और इसमें ये पेपर लगाने वाली हूँ, बेकिंग पेपर। ये हम इसके अंदर लगा देंगे और इसको भी ऊपर से ग्रीस कर देंगे अच्छे से, ताकि हमारा केक इजीली
बाहर निकल सके। ये देखिए हमारा पैन ग्रीस हो गया है, हमें किसी पैन की भी ज़रूरत नहीं है, अब घर की पतीली में ही इजीली इसको बना सकते हैं। हम सारा इसके अंदर मिक्सचर जो हमने केक का बनाया है वो पॉर कर देंगे। हमने यहाँ एक बड़ी पतीली बड़ा पॉट उसको हीट करने रख दिया था। अब हमने ये छोटी पतीली बड़ी पतीली के अंदर रखने के बाद एक अंदर स्टैंड रखा था उसके ऊपर ये रखकर अब हम इसे ढक देंगे और इसको 35 मिनट्स तक लो फ्लेम पर पकने देंगे और इसको बीच में बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। आफ्टर 35 मिनट्स लेट्स आर चेक केक। ये देखें हमारा केक आई थिंक रेडी हो गया है। इसको हम चेक करेंगे एक नाइफ़ की मदद से। देखें हमारी नाइफ़ जो है वो बिल्कुल बाहर साफ सुथरी आ रही है। इट्स मीन हमारा केक रेडी हो चुका है। नाउ लेट्स टेक आउट आवर केक पैन फ्रॉम द बिग पैन। इसको हमने कूल कर लिया है अच्छे से, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए इतना इजीली ये केक बाहर आ जाता है, बस इसके एजिस पे आपने नाइफ मारनी है और इसको हम इजीली बाहर निकाल लेंगे। पूरा केक इजीली निकल आएगा, हमें किसी पैन की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बाज़ार से जाके कोई पैन ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी घर की रखी हुई पतीली में ही ये केक बिल्कुल अच्छे से बन जाता है। अब हम इसका ये पेपर बेकिंग पेपर जो है हम इसको निकाल लेंगे। चलें अब हम इसको शेप देते हैं राउंड केक को। ये देखिए मैंने इसको बीच में से कट करने के बाद ये शेप देकर इसका ये काट दिया था। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट काट के दिखाती हूँ। ये देखें ये बीच में से कट करने के बाद हमारे पास ये शेप आ गई, हाफ मून की शेप। अब हम इसे बिल्कुल सेंटर से, ये देखें ये इसका सेंटर पॉइंट चेक करते हुए हमें इसे ट्रायंगल शेप में एक पार्ट निकाल कर अलग कर देना है। ये देखिए हमारा सेंटर पॉइंट है, इसमें हमने आड़ी छुरी रखकर ये देखें ट्रायंगल शेप हमने इसका कट कर दिया है। ये देखें ये इसका ट्रायंगल शेप बिल्कुल हमने इजीली कट करके बाहर निकाल दिया। इतना सॉफ्ट केक बनता है ये बिकॉज ऑफ विनेगर इसको एक सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक बनने में मदद देता है। ये देखें ये एक बटरफ्लाई शेप आ गई है। मैं इसको आपको बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ कि ये पहले कैसा था और अब ये कैसा दिखता है। बटरफ्लाई शेप आपको मैं पूरी बताती हूँ। यहाँ देखें कि ये पूरा गोल केक था एक जो हमने बना के निकाला था। अब हमने इसको बीच में से सेंटर में से कट किया था, सही है। ये बीच में से सेंटर में से कट करने के बाद हमने इसको अलग किया था, सही है। फिर इसके सेंटर में से हमने ये ट्रायंगल शेप निकाली थी। ये ट्रायंगल शेप हमें मदद करती है बटरफ्लाई शेप देने में। हमने दोनों पार्ट में से ये ट्रायंगल शेप निकाल कर अलग कर दी थी, इसके हमें विंग्स और फेस बनाने में काम आएगा। अब हमें इसे प्लेट में रख कर दिखाना है। मैंने इसको बीच में से भी कट कर लिया है ताकि बीच में भी जो इसकी फिलिंग करनी है वो भी मैंने कट कर ली है। मैं इसको पूरा एक शेप देके फिर आपको दिखाती हूँ अलग से प्लेट में रख कर वाइट सेंटर पे करके, ताकि आपको इजीली नज़र आ सके कि ये किस तरह का शेप दिखता है। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास जो है वो बटरफ्लाई शेप का मोल्ड नहीं है। आपके बेबीज़ जो हैं वो ज़िद कर रहे हैं कि वी वांट टू ईट बटरफ्लाई केक, तो आप इजीली घर में कोई मोल्ड भी नहीं है तो आप इस तरह इसको इस तरह शेप दे सकते हैं फ्रॉम स्केच। स्क्रैच से बनाई हुई चीज़ें आप इजीली घर में बना सकते हैं। अब मैंने इसके बीच में से भी कट आउट कर दिया था क्योंकि हमें बीच में इसके पहले शुगर सिरप लगाना है, देन वी हैव टू पोर द क्रीम देन स्ट्रॉबेरीज। तो हम यहाँ पर विप क्रीम ले रहे हैं जितनी भी ज़रूरत पड़े। यहाँ मैंने एक कप ली थी और इसको इस तरह हमने बीट करके बना लिया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ फ्रेश क्रीम नहीं लें, विप क्रीम इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर केक, क्योंकि ये बहुत देर तक इस तरह की फॉर्म में रहती है। फ्रेश क्रीम जो है वो मेल्ट होने शुरू हो जाती है, वो केक्स के लिए नहीं होती, वो डेजर्ट्स के लिए होती है।
डिज़र्ट्स वगैरह आपको बनाने हों तो आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट केक के लिए मैं आपको यही सजेस्ट यही रेकमेंड करूँगी कि आप व्हिप्ड क्रीम यूज़ करें, उससे केक का टेक्सचर और केक का आउटकम बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ अपने घर की फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज यूज़ की हैं, तभी वो इतनी जूसी हो रही हैं। इसके अंदर मैं इसको रख दूँगी बिल्कुल अच्छे से। आपको छोटे छोटे चॉप करके रखने हैं आप छोटे, पर मैं इसको इस तरह ही रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही सॉगी हो जाती हैं, तो इसको कट करने की कोई नीड नहीं है। अब इसका हम अदर पार्ट जो है इसके ऊपर रख देंगे अच्छे से इसको फिलअप करने के बाद। इसका सेकंड पार्ट इसके ऊपर उठा के रख देना है हमने, और इसके बाद आपकी मर्ज़ी अब इसको किस तरह भी डेकोरेट करें। मैं इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी, ये सेकंड पार्ट जो है मैं इसको इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। और मैंने इस तरह का ये एक बना लिया है जिससे मैं डेकोरेट करूँगी। यहाँ देखिए मैंने अपने केक को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, और ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रहा है ये मेरे घर की बनी हुई जैम है जिससे मैंने इसको डेकोरेट किया है। मेरी बेटी का बर्थडे था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।